मैं डॉक्टर ब्रिगेडियर जी एस मनचंदा मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। मैं एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कोई पेशेंट अंजलि है, उसके बारे में मैं इसके लिए फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। जी हाँ, हमारे पास एक कल 11:35 पे एक पेशेंट आई थी, अंजलि, वाइफ ऑफ सचिन कुमार, 32 वर्ष की महिलाएँ, वो प्रेग्नेंट थी और 23/4/2021 को 11:35 पे उनका एक केस आईडी जनरेट हुआ था मुजफ्फरनगर सीएमओ की तरफ से, जिसका केस आईडी है MUZN00310545445। इसके आधार पर इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव था और ये 108 वाली एम्बुलेंस में हमारे पास आई थी। ये प्रेग्नेंट थी और रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव होने के नाते और यूपी सरकार का जो आदेश है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को उनको इमीडिएट उपचार किया जाए, तो इस आधार पे इनको इमीडिएटली एडमिट कर लिया गया कोविड वार्ड के अंदर, क्योंकि ये एंटीजन पॉजिटिव थी। इनके रेफरल फॉर्म में ये भी लिखा था कि ये सिम्टोमेटिक है, इनको कॉफ, फीवर, सोर थ्रोट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। जब हमने यहाँ पे इनकी जांच की, इनका SpO2 लेवल बहुत ही लो था, 50 के लगभग था। इनको इमीडिएटली ICU में शिफ्ट कर दिया गया और इनका उपचार शुरू हो गया। जो जो एक्शंस किए जा रहे थे ऐसे सीरियस पेशेंट के लिए, वो सब लिए जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाए और करीब 4 बजे इनकी डेथ हो चुकी थी। तो हमें बहुत अफसोस है इनकी डेथ हुई, मगर इसमें ये कहना कि ये कोविड एंटीजन नेगेटिव थी ये सही नहीं है। हमारे पास उसकी रिपोर्ट मौजूद है जो क्लियरली मेंशन कर रही है कि ये कोविड पॉजिटिव है और गाइडलाइंस के आधार पर कोई भी पेशेंट अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव होकर आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव ही मानेंगे और इसको कोविड वार्ड में ही एडमिट करेंगे। तो इस पर कोई लापरवाही नहीं हुई है, जो रूल्स हैं गाइडलाइंस का है उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। थैंक यू।